गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, इसका पार्ट वन पढ़ेंगे हम, है ना। पार्ट वन, इसमें सिर्फ हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। इसके कितने पार्ट हैं वो पढ़ेंगे, और अगला इसका जो फेज है वो टाइप्स ऑफ रॉक है, वो सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, अर्थ जो हमारा है पूरा, उसके अंदर क्या है, कितने लेयर्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये मैंने आपका ड्रॉ किया है, तो जब अर्थ इमर्ज हुआ था, बना था, तो क्या था, गैस और ये मोल्टन मटेरियल था, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में चीज़ें थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम में वो जो लिक्विड फॉर्म में हमारा अर्थ था और गैस से बना हुआ था, वो धीरे धीरे वो सॉलिड में चेंज हो गया, ठंडा होके, कूल होके सॉलिड में चेंज हो गया, और ये पूरा रॉक के फॉर्म में ये बदल गया। पिछली क्लास में पढ़ा था किस तरीके से रॉक से ये सोइल कैसे बना, ये जो मिट्टी है ये एक्चुअली रॉक से बना हुआ। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि रॉक से मिट्टी कैसे बनी। ओके, और कितने टाइप के रॉक्स होते हैं। सो सबसे पहली बात आपको ये जाननी है कि अर्थ हमारा जो था वो मोल्टेन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में था और गैस फॉर्म में था। वो एक टाइम के बाद ठंडा होके वो एक पत्थर का गोला बन गया, इसलिए इसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथ, लिथ मतलब स्टोन, तो लिथोस्फेयर इसको कहते हैं। एनीवे, अब हम ये जानेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। जैसे ये देखा, ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो इसको सबसे बाहर वाला जो पतला एक लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये बीच में जो मोटा वाला है इसको हम कहते हैं मेंटल, और जो अंदर है बीच में उसे कहते हैं कोर। कोर टू पार्ट्स में है, इनर कोर आउटर कोर, है ना जी। कोर दो पार्ट में, एक इनर कोर, अंदर वाला कोर, और एक बाहर वाला कोर। तो तीन पार्ट में हमने अर्थ को बांटा है। अब डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो अर्थ है उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। फोर्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे कि अगर अर्थ पे फोर्स लगता है तो उसमें कोई बदलाव आए, राइट। फोर्स का ये डेफिनेशन है ना जी, कि जिस पे भी फोर्स लगाया जाए उसमें कोई चेंजेस हो, है ना जी, उसके शेप में हो या जगह में कोई भी चेंजेस हो। तो हमारे अर्थ पे कौन कौन कितने टाइप के फोर्सेज लगते हैं। टू टाइप के फोर्सेज लगते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो बाहर से लगते हैं, इंटरनल फोर्सेज हैं जो कि अर्थ के अंदर से लगते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज हम सभी जानते हैं, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर, ग्लेशियर, मूविंग आइस, ये होता है एक्सटर्नल फैक्टर। ये अर्थ के शेप को चेंज कर सकता है और करता है। फॉर एग्जांपल विंड, जो आपका माउंटेन है उसमें आप देखिएगा कि कुछ कुछ इस डायरेक्शन में कटा हुआ, कुछ ऐसे हैं, कुछ इधर से हैं, वो विंड की वजह से हुआ। बहुत सालों में हवा से वैसा उसका डायरेक्शन हो गया है माउंटेन का। ऑफ कोर्स वाटर का हम सबको मालूम है कि वाटर जैसे बहना शुरू हुआ तो वो नदी बना दिया, अर्थ में चेंज आया। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेज है जो अर्थ के शेप में चेंजेस ला रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे रिलीफ फीचर चेंज होता है, फिजिकल फीचर चेंज होता है, मतलब कहीं पे माउंटेन हो जाना, कहीं पे नदी हो जाना, कहीं पे प्लेन हो जाना, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होती है। ओके, एक्सटर्नल फोर्सेस ज्यादातर चीजों को प्लेन करता है। गॉट इट। नाउ अब आइए इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, वेलकानो। अर्थक्वेक आया, पता चला यहाँ की जमीन धस गई, वहां निकल गए। वल्केनो आया, अंदर से मैग्मा निकला, पूरा भर गया, एक अलग एक प्लेट्यू बना दिया, पत्थर बना दिया, तो एक अलग शेप हो गया। तो ये इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं वो दो टाइप की, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्सेज जो बाहर से लगती हैं, जैसे कि विंड, वाटर, ग्लेशियर, मूविंग आइस। एंड इंटरनल फोर्सेज जो अंदर से लगती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वेलकैनो एटसेट्रा। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसको हमने तीन पार्ट में बांटा था, क्रस्ट जो ऊपर वाला है, मेंटल जो बीच वाला, कोर जो अंदर वाला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्रस्ट।
क्रस्ट जो होता है, जो ऊपर वाला पतला पार्ट होता है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर, जो आउटर लेयर ऑफ अर्थ है, जो ऊपर वाला जिस पे हम घर बनाते हैं, चलते हैं, रोड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटर लेयर, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये किनारे वो सारा बाहर से क्रस्ट हो गया। अब इसमें देखेंगे क्रस्ट में, ये आपको अगर दिख रहा होगा तो, जैसे ये क्रस्ट है ना जी, अब इसमें आके यहाँ पे आ गया ओशियन, गायब हो गया, इसमें पूरा पानी भरा है ना, लेकिन क्रस्ट तो पानी के अंदर भी है ना, वहां भी जमीन है ना, ऊपर भी जमीन है। तो ये दो चीजें जाननी है। तो जो क्रस्ट ऊपर है ना जी, सूखे में, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो ऊपर सूखे में, जो पानी में क्रस्ट है, यानी कि ओशियन के नीचे जो सतह है, उसे हम कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। ओके, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट, जो हमारा महाद्वीप है, जहां पे एशिया, अफ्रीका, ये सब। तो यानी कि जो जमीन वाला पार्ट है, अपर लेयर अर्थ का, जमीन वाला जो है, सूखा वाला है, उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और जो ओशियन के नीचे वाला जो हमारा जमीन का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। है तो सब ऊपर का ही पार्ट ना, बात समझ में आ गई आपको। अब आइए कि इसकी थिकनेस क्या है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 से 50 किलोमीटर चौड़ा है, और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो 5 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ओशियन के अंदर है ना, तो ये एरिया तो कम हो गया ना इसका। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 से 50 किलोमीटर, और ओशियानिक क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। अब इसमें जानना कि ये बना किससे होता है, जो क्रस्ट है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल होते हैं ज्यादा। तो आप याद कैसे रखिएगा, सियाल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में दो मटेरियल होते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। क्या होते हैं? सिलिका, एल्यूमिनियम। आपको रटा होना चाहिए, एग्जाम में आना ही आना है, या मैं भी पूछूंगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन सा मटेरियल होता है, तो आप कहेंगे सिलिकन एंड एल्यूमिनियम, सियाल से याद रखेंगे। फिर ये कहा जाएगा ओशियानिक क्रस्ट में कौन सा मटेरियल होता है, तो उसमें होगा सिलिका एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वैसे शॉर्ट फॉर्म Mg होता है, लेकिन एक वर्ड बनाने के लिए, याद करने के लिए, इसको Ma, मैग्नीशियम के लिए Ma लिखा जाता है, सीमा, सिलिकन एंड मैग्नीशियम। तो क्रस्ट दो टाइप के, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। जो ऊपर सूखा वाला लैंड पे जो क्रस्ट होता है उसको कॉन्टिनेंटल, जो समंदर के नीचे जो क्रस्ट सतह होता है उसे हम ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। एक में सिलिकन और मैग्नीशियम होता है, और इसमें सिलिकन एंड एल्यूमिनियम होता है। सो दिस इज एनफ, इतनी नॉलेज आपको जाननी है। पिक्चर अगर आपको देखना है, कैसे समझना है, तो वो आप बुक में चेक कर सकते हैं, इट्स पेज नंबर 86। ओके, अब आ जाइए मेंटल। मेंटल जो होता है वो बीच वाला होता है ना जी, ये बीच वाला, ये सबसे चौड़ा होता है। इस ये 2900 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब ये क्रस्ट के बाद शुरू होता है, जहां क्रस्ट खत्म होता है वहां से मेंटल शुरू होता है, और इसकी चौड़ाई या गहराई ये 2900 किलोमीटर। तो अर्थ का जो टोटल मास है, मतलब वजन है, उसका सबसे ज्यादा जो वजन है वो मेंटल में, क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे भारी है मेंटल, 2900 किलोमीटर। अब जैसे हमने पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, इसमें होते हैं सिलिकन, एल्यूमिनियम, फिर ओशियनिक में सिलिकन और मैग्नीशियम होता है, बट मेंटल में होता है आयरन एंड सिलिकन। आयरन का क्या लिखते हैं? Fe, और सिलिकन को लिखते हैं Si। तो यानी कि आयरन एंड सिलिकन होता है। ये सारे में जानना है कि उसका डिस्टेंस किलोमीटर में कितना है, और उसमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम भी होता है, यानी कि आयरन, सिलिकन, मैग्नीशियम, ये तीन चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि उसमें जो ये है, क्या कहते हैं इसको, जो मेंटल है, उसमें कुछ मोल्टेन रॉक भी होते हैं। मोल्टेन रॉक मतलब रॉक जो कि लिक्विड फॉर्म में है। मोल्टेन रॉक किसे कहते हैं? वो रॉक जो कि लिक्विड फॉर्म में, पूरा नहीं बट कुछ इसमें मोल्टेन रॉक भी होते हैं मेंटल में। वही रॉक जो यहाँ पे मोल्टेन है, लिक्विड फॉर्म में है,
कभी वेलकानो के फॉर्म में वो बाहर आ जाता है, ने देखा पूरा आग निकलता है, पूरा लिक्विड की तरफ बहता है एकदम आग, जिसे हम लावा कहते हैं। मेंटल ही लावा है, सॉरी मैग्मा ही लावा है जो मेंटल के अंदर लिक्विड रॉक होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। लिक्विड रॉक को मैग्मा कहते हैं। तो वही कभी कभी क्या होता है, वेलकैनो के साथ बाहर आ जाता और बहने लगता है, जो कि बिल्कुल आग होता है, लिक्विड फायर समझ लो, है ना, लिक्विड रॉक। तो जब वो बाहर आ जाता है अर्थ के बाहर, उसे हम कहते हैं लावा। है सेम चीज, यानी कि जो मोल्टेन रॉक होगा, मोल्टेन रॉक मतलब पिघला हुआ पत्थर, जो मोल्टेन रॉक मेंटल के अंदर होगा, अर्थ के अंदर होगा, उसे हम मैग्मा कहेंगे। जैसे वो बाहर आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। तो मैग्मा और लावा समझ में आया आपको, मैग्मा और लावा दोनों ही मोल्टेन रॉक है। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ रॉक पत्थर, अंदर कहलाता मैग्मा, बाहर कहलाता लावा, सिंपल। अब ये मैग्मा लावा की कहानी जब हम पढ़ेंगे रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, तब जाके वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये क्यों जानना है। अब आ जाइए कोर। कोर जो होता है उसको हम बैरिस्फेयर भी कहते हैं। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, इनर कोर आउटर कोर, जो अंदर हो इनर, जो बाहर है वो आउटर। जो इनर कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। वाई? अच्छा, यहाँ पे कुछ मैग्मा जो है, मैग्मा मतलब लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है, मैग्मा क्यों होता है मेंटल में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आइए, कोर में भी बहुत, वो तो और अंदर है अर्थ के, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो आउटर कोर है वो लिक्विड होता है, लेकिन इनर कोर सॉलिड होता है, वो क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इनर कोर है वो तो सबसे अंदर होता है, तो वो क्यों सॉलिड होता है। बिकॉज, समझिएगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर तो है ही, जिस चीज़ को भी हम ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे, ज़्यादा गर्म कर देंगे, तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये पेन हो गया या लोहा हो गया, कुछ भी उसको ज़्यादा टेम्परेचर में हम टेम्परेचर दे देंगे, गर्म कर देंगे, तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो आउटर कोर है वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। वो है क्या, निकल और आयरन है। दोनों कोर में, इनर और आउटर कोर में क्या है, निकल एंड आयरन। वो क्या होता है, पिघल के वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि लिक्विड हो जाता है। लेकिन फिर जो इनर पार्ट है वो सॉलिड क्यों रहता है, वो सॉलिड इसलिए रहता है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें वजन सबसे ज्यादा, सबका पड़ के उसी पे आखिरी वाले पे पड़ेगा ना, तो प्रेशर भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो सॉलिड में बदल जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो कोर है, इनर कोर आउटर कोर, दोनों कोर में कौन सा मटेरियल होता है, निकल एंड आयरन, ये आप याद रखिएगा। और जो आउटर कोर होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन इनर कोर में बहुत टेम्परेचर होता है बट प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड में बदल जाता है। तो ये पढ़ा हमने आज कोर। सो इतना एनफ है, इसका नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छा और समझिएगा। आप जब ये समझ जाएंगे तब इसी से जुड़ा हुआ है आगे का हम पढ़ेंगे रॉक्स, क्यों कैसे बना, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से चेंज होता है। तो सी यू नेक्स्ट क्लास इन पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।